नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, एक वीडियो आप देखते हैं हमारे यूट्यूब पे, या फिर अभी जो मैं टॉपिक आपके साथ कवर करने जा रहा हूं डेटा कैलकुलेशंस की, ये सारे हमारे ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोज हैं। तो आज आपके साथ हम डेटा कैलकुलेशंस विद वीवीए का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, और सुबह के 7 बजे है, और मेरे साथ जो है 5 लोग ज्वाइन कर रखे, 4 लोग ज्वाइन कर रखे हैं जो कि वीवीए सीख रहे हैं मेरे साथ लाइव। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको ट्रेनिंग लेना हो या कुछ उससे रिलेटेड पूछना हो, आप मुझे मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन में हमने डिस्कस किया डेटा कैलकुलेशंस की, कि हम आपको डेटा को कैलकुलेट करना सिखाएंगे, मतलब कि डेटा को एक जगह पे कंबाइन करना सिखाएंगे। इसका इस्तेमाल क्या होता है, जैसे कि ऑफिस में क्या होता है, जब आप काम करते हैं तो आपके साथ क्या होता है कि बहुत सारे डेटा होते हैं, आपके पास बहुत सारे डेटा होते हैं, उन डेटा को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए और किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाए, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डेटा, छोटा सा डेटा बनाते हैं, नेम, और मैं यहाँ पे जैन से छोटा सा डेटा बनाते हैं। क्योंकि छोटे डेटा पे आपको इफेक्ट जल्दी समझ में आएगा, अगर बड़ा लार्ज कॉम्प्लिकेटेड डेटा लेंगे तो आपको ये समझने में दिक्कत होगा कि आखिर हुआ क्या। इसलिए जब भी मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ या कोई प्रोजेक्ट लेता हूँ तो हम एक छोटा सा डेटा लेते हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो हमने इसको कॉपी किया और मैं कई सारे शीट पे इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो वी हैव द 7 सीट और आई वांट टू कॉपी द ऑल डेटा इन द लास्ट सीट नेम इज डेटा। तो हर एक सीट का डेटा एक के नीचे कॉपी पेस्ट होना चाहिए, किस पे, लास्ट वाले सीट पे, समझ गए। तो कैसे करें, क्योंकि नॉर्मल हम करेंगे तो काफी टाइम जो है कंज्यूम होगा, एक एक करके कॉपी पेस्ट करने में तो टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम होगा, और हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम को कंज्यूम करना हम नहीं चाहते। ठीक है, तो चलिए वीवीए प्रोग्रामिंग करते हैं। तो डेवलपर में जाएंगे विजुअल बेसिक पे और एक नया मॉड्यूल्स ले लेते हैं, सब्जेक्ट आरआर ब्रैकेट ओपन, या कॉपी ए कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी डी, और सबसे पहले हमने देखा, या एक चीज ध्यान रखिएगा, पहला चीज कि आप जो डेटा कॉपी, कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है, सॉरी एक डेटा कॉपी पेस्ट ही नहीं हुआ, हो गया। तो सबसे लास्ट में करना, अभी जो हम माइक्रो बना देने जा रहे हैं उसमें
कोडिंग जो करेंगे वो सबसे लास्ट में होना होगा। तो यहाँ पर लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2, हमने बोला कि यहाँ पे कि सीट्स डॉट काउंट, सीट की जो काउंट है चले वहाँ तक, और मैंने बोला कि भाई इसमें माइनस वन कर दिया कि एक जो है वो कम, एक कम इसलिए क्योंकि हम डेटा कॉपी कर रहे हैं लास्ट वाले शीट पे, डेटा कॉपी कर रहे हैं तो लास्ट वाले शीट पे जब डेटा हम कॉपी करते हैं तो वो शीट को हमें कॉपी पेस्ट, कॉपी से बाहर रखना, पेस्ट में रखना है, इसलिए हमने लूप से उसको बाहर कर दिया। और सिंपल है कि सीट्स, और जैसा कि हम जानते हैं कि आई पे एक काउंटर, एक मतलब एक वेरिएबल स्टोर, वैल्यू स्टोर होता है 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे उसी का फायदा उठा रहे हैं कि सिलेक्ट, और यहाँ पे फिर हम कहते हैं कि रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, और फिर शीट्स डेटा, हम डेटा शीट पे आ रहे हैं डॉट सेलेक्ट। मैनुअल फॉलो की जैसे मैनुअल होता है, हमने क्या किया सबसे पहले सीट इस पे गए, यहाँ डेटा को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, फिर यहाँ पे आए और फिर इसको हमें एक के नीचे पेस्ट करना है, तो एक के नीचे पेस्ट करना है तो हम A1 डॉट पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि A1 डॉट पेस्ट करेंगे तो हर को A1 पे करेगा, इसलिए हमने बोल दिया कि A 65,000 से ऊपर जाए, एक्सेलेस अप, फिर डॉट ऑफसेट एक रो नीचे आए जीरो कॉलम, और फिर उसमें पेस्ट स्पेशल करें, ठीक है। अब बोलोगे सर पेस्ट स्पेशल क्यों किया, हम पेस्ट स्पेशल नहीं भी कर सकते इस माइक्रो कोडिंग में, तो हमें क्या करना होगा डॉट सेलेक्ट और फिर एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, जो पेस्ट है, जो पेस्ट है वो पार्ट है सीट का, वो आपका रेंज का पार्ट नहीं है, ठीक है। बट पेस्ट स्पेशल जो है वो पार्ट है रेंज का, तो इससे पहले जो मैंने कोड दिया वो ऐसा इसलिए किया ताकि हम एक लाइन बचा सके, ऐसा इसलिए किया था। अभी कोडिंग परफॉर्म कर रही है, यहां देखिए माइक्रोज कॉपी डी, सॉरी माफ कीजिए हमने नेक्स्ट लगाना भूल गए, नेक्स्ट आई, और हम यहां पे माइक्रोज एंड हमने कॉपी सेलेक्ट किया एंड रन, पेस्ट हो गया। अब इसमें हर हर सेल में हेडिंग आता है, तो हमने हेडिंग को ऊपर रख दिया, हर सेल में हेडिंग आता है, मैं चाहता हूं हेडिंग को डिलीट करना, तो हमने एक मैनुअल हेडिंग रख दिया और बोलता भाई जब भी डेटा कॉपी होता है तो उसको हेडिंग को ना रखे, तो उसके दो तरीका है। पहला तरीका है कि जब आप डेटा सीट वन में जाके कॉपी कर रहे हैं तो वहीं पे आप हेडिंग ना लें, फिर आपको सिलेक्शन में थर्ड में लेंथी प्रोसेस अपनाना पड़ेगा क्योंकि आपको नीचे से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि डायनेमिक सिलेक्शन ना हो पाए या कई सारे कारण से, तो वहाँ पर दिक्कत होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया कि हम जब डेटा को कॉपी करते हैं और कॉपी करके जब हम पेस्ट करते हैं, जैसे हमने यहां सेलेक्ट किया और पेस्ट किया, तो हमारा हेडिंग का सीट ही सेल जो है वो एक्टिवेट होता है, तो हम कहेंगे कि जो एक्टिव सेल का जो रो है वो पूरे एंटायर रो को हम डिलीट कर देते हैं, उसकी पूरी एंटायर रो हम डिलीट कर देंगे, तो फिर क्या होगा, हेडिंग हट जाएगी, तो उसके लिए यहां लिखेंगे कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट
ब्लीड। तो एक कोड आपका परफेक्ट हो गया कॉपी पेस्ट करने के लिए, ठीक है सर। अब देखिए इसमें कोई भी डेटा नहीं है, हेडिंग हो गया। अब चलिए इसमें हम कुछ और, अब ये जो कोड हमने लिखा अब इसको सिंपलाइज भी हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कोड आपका, लेकिन अब बताता हूं कि इसको सिंपलाइज कैसे किया जाएगा। हम यहाँ पे सीट आई डोट डॉट सेलेक्ट किया और यहाँ पे रीजन डॉट कॉपी किए, हम दोनों कोड को इकट्ठा लिख सकते, ठीक है। और डेटा डॉट सेलेक्ट किए, डेटा डॉट सेलेक्ट नहीं कर सकते थे हम, करने की ज़रूरत नहीं थी, हम यहाँ इसको इकट्ठा लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन जब हम करेंगे तो फिर एक्टिव शीट नहीं, यहाँ पेस्ट स्पेशल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सेलेक्ट डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पेस्ट स्पेशल डायरेक्ट सपोर्ट जो है कर देगा। ये भी आपका जो है परफॉर्म कर जाएगा। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो प्रोग्रामिंग आपने कर लिया तो ठीक है, लेकिन एक बार प्रोग्रामिंग को देखिए, आप नॉर्मली कर लीजिए पहले जैसे आता है वैसे, फिर उसमें से देखिए कौन कौन सा चीज आप उसमें से रिमूव कर सकते हैं, कि कौन कौन सा चीज जो है उसमें से आप हटा सकते हैं, ये जरूरी होता है। तो हमने देखा कि इसमें से हम इतने चीज हटा सकते हैं, हटा दिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, आप चलिए इसको और डायनेमिक करते हैं, क्योंकि तो इसमें बंदिश है कि आपका डेटा शीट सबसे लास्ट में होना चाहिए। अगर डेटा शीट यहां पे हो गया तो दिक्कत होगा, क्यों? क्योंकि हमने यहां पे -1 किया हुआ है। -1 करने से प्रॉब्लम क्या हुआ कि सबसे लास्ट वाले शीट पे आपका डेटा कॉपी पेस्ट होगा। अब बात करते हैं कि इसको और डायनेमिक कैसे किया जाए। तो हो सकता है कि डेटा शीट जो है आपका यहाँ बीच में हो, तो उसके लिए हम दूसरा मैक्रो बनाना होगा और यहाँ कंडीशन देना पड़ेगा कि शीट्स डॉट आई डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू डेटा, देन कॉपी करें और फिर यहां पे एंड। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, अब हम तो कर दिए कि डेटा कर दिया हमने यहां पे, तो ये वर्क नहीं करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें कि डेटा जो हमने यहां लिखा हुआ जिस लेटर में जिस तरीके से ऐसे होना चाहिए, अगर डेटा में स्मॉल हुआ तो भी आपका वर्क नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि VBA आपका केस सेंसिटिव होता है। VBA जो होता है केस सेंसिटिव होता है, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, समझ गए? तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि दोनों को सही करते हैं, हम दोनों को यू केस कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना सर आप लोगों को? यू केस कर दिया और इसको भी हम अपर केस में लिखते हैं या लोअर केस में लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका वहां पे कुछ भी चेंज हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बंदिश तो हमने यहां से हटा दिया कि स्मॉल लेटर हो या कैप्स लेटर हो, मेरा मैक्रो परफॉर्म करेगा ही करेगा और डेटा को कॉपी करके लाएगा। क्लियर है सर? अब इसमें नया एक क्वेश्चन ऐड होता है और मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन आप करें, क्योंकि तो आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट्स होगा। यहाँ पे हम शीट्स, अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कौन सा डेटा कौन से शीट्स का है। कल के डेट में डेटा को सेपरेट करना हुआ तो मैंने एक शीट नेम का कॉलम ऐड किया। अब
अब आप इस मैक्रो के अंदर में मॉडिफिकेशंस करो कि भाई कौन सा क्या करे, ताकि जैसे सीट वन का डेटा इसने यहाँ पे कॉपी किया, इसमें मान लीजिए यहाँ उठाया और यहाँ डेटा में गया, इसको कॉपी किया, डेटा में गया, पेस्ट किया, कॉलम को डिलीट किया और यहाँ पे उसका नेम कि इसने सीट वन से डेटा उठाया है, जो भी नेम हो सीट का वो डाल दिया। तो कल के डेट में हमें सेपरेशंस में दिक्कत नहीं होगी ना, क्या सर? तो दिस इज योर क्वेश्चन, इसको आप लोग कीजिए। अगर आप नहीं कर पाएंगे फिर हम इस पे जो है कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल एक और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर ये फाइल जो है हमारी, ये फाइल अगर ये जितने भी फाइल अभी सीट वाइज थे तो आपने कॉपी किया, बट अगर आपके पास ये फाइल वाइज होते तो दिक्कत हो जाता। तो उस केस में क्या करेंगे? तो ये रिकॉर्डिंग ये जो है फाइल में आप लोगों को भेजता हूं, ताकि आप लोग इसका जी अभी कर दे रहा हूं सर, अभी तक भेजा कहाँ से सेंड होगा आपको, अभी भेज देता हूँ। ठीक है,